हाय नमस्कार, स्वागत है आपका मेरे चैनल झटपट फूड रेसिपी में। मैं हूँ मौसमी। आज मैं फिर एक नई डिश के साथ आपके सामने हाजिर हुई हूँ, जो है आलू चने की सब्जी। आइए हम देखते हैं कि आलू चने की सब्जी बनाने के लिए हमें कौन कौन से इंग्रेडिएंट की जरूरत है। चने को मैंने कल रात को ही पानी में भिगो दिया था, सुबह उसे पानी में वॉश करके हमने बॉयल करने के लिए दे दिया। ये बॉयल चना है, इसको मैंने कुकर में 4-5 सीटी लगा के बॉयल करके रखा हुआ है। एक बड़े साइज के अनियन को मैंने पतले स्लाइसेस में कट करके रखा हुआ है वॉश करके। थोड़े से मैंने धनिया लीव्स वॉश करके कट करके रखा हुआ है। यहाँ पे हमने 6-7 लहसुन की कलियाँ लिया हुआ है, छोटे छोटे 3 अदरक के टुकड़े और 3-4 हरी मिर्च लिया हुआ है। हरी मिर्च आप अपने अकॉर्डिंग ले, आप जितना स्पाइसी खाना पसंद करते हैं उसी हिसाब से आप ऐड करें। एक बड़े साइज के टोमेटो को हमने वॉश करके फाइन चॉप करके रखा हुआ है। 2 छोटे छोटे पोटैटो को मैंने पील करके वॉश करके छोटे छोटे साइज में कट करके रखा हुआ है। मसाले में मैंने थोड़े से लाल मिर्च पाउडर लिया हुआ है, थोड़े से मैं यहाँ पे गोलकी रखा हुआ है, मैंने जो साबुत वाली ब्लैक पेपर होती है वो रखा हुआ है। थोड़ा सा मैंने यहाँ पे हल्दी पाउडर लिया हुआ है। स्वाद अनुसार हम सॉल्ट यूज करेंगे। यहाँ पे हमने थोड़ा सा खड़ा जीरा रखा हुआ है। और गरम मसाले में मैंने 1 बड़ी इलायची, 1 हरी इलायची, थोड़े से लौंग और थोड़ी सी दालचीनी रखा हुआ है। आइए हम झटपट काला चने बनाना स्टार्ट करते हैं। इसके लिए मैंने गैस ऑन कर दिया है, मैंने कढ़ाई रख दिया है गर्म होने के लिए। कुकिंग के लिए मस्टर्ड ऑयल यूज़ करेंगे। तेल में हम थोड़ा सा 1 चुटकी सॉल्ट और 1 चुटकी हल्दी सबसे पहले ऐड करेंगे। फिर जैसे ही तेल गर्म हो जाए तो हम इसमें थोड़ा सा जीरा देंगे। जैसे ही जीरा चटक जाएगा तो हम इसमें हमने जो ये प्याज कट करके रखा है ये ऐड कर देंगे। 1/2 अनियन हम फ्राई करने के लिए ऐड करेंगे और 1/2 हम ब्लेंड करेंगे। हम यहाँ पे टमाटर रखे हैं, ये भी हम ऐड कर देंगे। और हमने जो पोटैटो रखा है कट करके ये भी ऐड कर देंगे। इसको हम लाइट ब्राउन होने तक फ्राई करेंगे। जब तक ये फ्राई हो रहा है तब तक हम ग्रेटर में सारे मसाले ऐड कर देंगे। ये जो हमने अनियन रखा था 1/2 वो ऐड कर लेंगे ब्लेंड करने के लिए। यहाँ जो हमने लहसुन अदरक और मिर्च रखा है ये भी ऐड कर लेंगे। ये हमने साबुत गोलकी रखा है ये ऐड कर लेंगे। 1/2 टोमेटो रखा है हमने, ये भी हम ऐड कर लेंगे। ये हमने गरम मसाला रखा है ये भी ऐड कर लेंगे। और बाकी जो हमारा जीरा बचा हुआ है ये भी हम इसमें ऐड कर लेंगे। सारे मसाले को हम ब्लेंडर में अच्छे से बारीक से ब्लेंड कर लेंगे। आलू प्याज टमाटर लाइट ब्राउन हो गया है, ये सारे मसाले हम इसमें ऐड कर देंगे। थोड़ा सा पानी भी ऐड कर देंगे ताकि मसाले को भूनने के लिए मसाला कच्चा ना रहे। और जो ये हमारे पास हल्दी पाउडर है हम इसको ऐड करेंगे। लाल मिर्च पाउडर लिया है इसको भी हम ऐड करेंगे। नमक हम स्वाद अनुसार ऐड करेंगे। अब हम मसाले को 5 मिनट तक ढक कर मीडियम फ्लेम पर पकाएंगे। अब हम मसाले को चेक करेंगे। ये देखिए तेल ऊपर आ गया है, मसाला पक गया है। अब इसमें ये जो हमने चना बॉयल करके रखा है अब हम इस चने को इसमें ऐड कर देंगे। अब चने के साथ हम 3 मिनट इसको और फ्राई करेंगे। मसाला अच्छे से फ्राई हो गया है, वाटर ऐड कर देंगे। आपको जितना ग्रेवी रखना है उस हिसाब से वाटर ऐड करेंगे। 5-7 मिनट तक हम इसको ढककर अच्छे से मसाले को पकाएंगे। आइए हम चेक करते हैं कि सब्जी हमारा पक गया कि नहीं। आलू निकाल के हम देखेंगे। ये देखिए आलू इसकी कट
करते हैं, और जो हमने ये धनिया पत्ता कट कर के रखा है उसको ऊपर से मिक्स कर लेंगे। और हम इसको सर्विंग बाउल में सर्व कर लेंगे। आलू चने की सब्जी बनके रेडी है। ये देखने में बहुत ही डिलीशियस लग रहा है। इसको आप गरम गरम राइस और सैलड के साथ खाएं, गरम रोटी बना के पूरी किसी के भी साथ खाएं, ये बहुत टेस्टी लगता है। लॉकडाउन में इस तरह के स्वादिष्ट रेसिपीज के लिए बेल आइकन को दबा दें, ताकि मैं जो भी स्वादिष्ट डिश अपलोड करूँ सबसे पहले आप तक पहुँचे। अगर मेरे चैनल पर न्यू है तो सब्सक्राइब भी कर दें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।